समंत पंचक तीर्थ की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलदेव जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, समंत पंचक क्षेत्र सनातन है। यह प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने यहां बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान महात्मा राजऋषि कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन जोती थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। बलराम जी ने पूछा, मुनिवरो, महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया? ऋषियों ने कहा, बलराम जी, पूर्व काल में राजा कुरु जब यहां प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं दिनों की बात है, इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा, राजन, आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं? यहां की जमीन जोतने से आपका क्या अभिप्राय है? कुरु ने कहा, इंद्र, जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे, वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे। यह जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई, वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए। इससे राजऋषि कुरु का उत्साह कम नहीं हुआ, वे वहां की जमीन जोतने में लगे ही रह गए। इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गए। कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरंभ किया। तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया। यह सुनकर देवता बोले, अगर संभव हो तो राजऋषि को वरदान देकर राजी कर लीजिए। नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे, तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन, अब आप कष्ट न उठाइए, मेरी बात मानिए, मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और इंद्र भी राजा की अनुमति ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चले गए। बलराम जी, इस प्रकार शुभ उद्देश्य से राजऋषि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता था। पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहां तप करेंगे, वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्म लोक में जाएंगे। जो दान करेंगे, उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा। जो सदा यहां निवास करेंगे, उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहां आकर बड़े-बड़े यज्ञ करें, तो जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में यह उद्गार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि हवा से उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए, तो वह उसे उत्तम लोक में पहुंचाती है। यहां बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा नृग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तरंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा रामहृद से आरंभ करके यम चक्रक तक के बीच का जो स्थान है, वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक तीर्थ है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है। यह सभी सद्गुणों से संपन्न है, अतः यहां मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार साक्षात इंद्र ने यह बात कही और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहां बहुत सा दान करके बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनियों से पूछा, यह सुंदर आश्रम किसका है? तब उन्होंने कहा, बलराम जी, पहले तो यहां भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इसी आश्रम पर हुए हैं। बाल्यकाल से ही
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहां तपस्या कर चुकी है। वह शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। ऋषियों की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए। वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गम भूत स्रोत का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कारप वन तीर्थ में जाकर उन्होंने वहां के स्वच्छ, शीतल एवं पवित्र जल में डुबकी लगाई और देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। फिर एक रात वहां निवास करके वे ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ मित्रा वरुण के पवित्र आश्रम पर गए। वह स्थान यमुना के तट पर है। सर्वप्रथम उस स्थान पर आकर इंद्र, अग्नि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलराम जी वहां स्नान दान करके ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनने लगे। उसी समय देवऋषि नारद जी दंड, कमंडलू और मनोहर वीणा लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देख बलराम जी उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे। नारद जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वह सब ज्यों का त्यों सुना दिया। तब बलभद्र जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तपोधन, उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहां आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई है, यह सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे वहां का विस्तृत समाचार जानने की बहुत उत्कंठा हो रही है। नारद जी ने कहा, भीष्म जी तो पहले ही मारे गए, उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुंच गए, भूरिश्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई है। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। अब जो मरने से बचे हैं उनके नाम सुनिए। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये ही तीन प्रधान वीर बचे हैं। किंतु जब शल्य मारे गए तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर वह पायन सरोवर में जा छिपा। माया से सरोवर का पानी बांधकर वह उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जा पहुंचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कष्ट पहुंचाने लगे। वह भी बलवान ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता, हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेन से युद्ध करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आप भी देखने को उत्सुक हों तो शीघ्र जाइए, विलंब न कीजिए। अपने दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को द्वारका चले जाने की आज्ञा दी। फिर वे जहां सरस्वती का स्रोत निकला हुआ है उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरे और तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उसकी महिमा का वर्णन इस प्रकार करने लगे। सरस्वती के तट पर निवास करने में जो सुख है, आनंद है, वह अन्यत्र कहां मिल सकता है? उसमें जो गुण है वे और कहां हैं? सरस्वती का सेवन करके स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे। सरस्वती सब नदियों में पवित्र है, वह संसार का कल्याण करने वाली है। सरस्वती को पाकर मनुष्य इहलोक और परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते। तदनंतर बारंबार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के तट पर जा पहुंचे।